बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी एक वीडियो क्लिप देख रहा था जी, देख क्या रहा था भाई मैं। ना ये क्लिप मुझे आप यकीन कीजिए, हालांकि ये उतनी वीडियो नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लीडर हो तो भाई ऐसा हो, किस जैसा भाई, सलमान जैसा। यकीन कीजिए मैं बहुत ही लाइक करता हूँ इनको। और यार हर बंदे की अपनी सोच होती है, कुछ बंदों को इससे इख्तलाफ भी होगा। मैं ताइफ में एक ऐसे सऊदी को जानता था जो कुछ बुज़ुर्ग शहरी था, और आप यकीन कीजिए फटाफट इंग्लिश बोलता था। और बाकायदा उसने ना सबाक की दुकान थी उसकी ताइफ हद्दा रोड के ऊपर, और बाद में उसने वहाँ से ख़त्म कर दी। घर पर ही सामान रखा हुआ था, एक स्टोर बनाया हुआ था, स्टोर में वो सारा सबाक का सामान भरा हुआ है उसका, और कीमती सामान फिर बस वो बोलता मैं बेचता नहीं, यहाँ पर रखा हुआ ऐसे ही। तो बड़ा घर था, दोनों मियाँ भी बुज़ुर्ग था, उसकी बेगम थी साथ में, तो वो इसको अच्छा नहीं बोलता था। वो बोलता ये बंदा ठीक नहीं है, ये अमेरिका की गुलामी करता है। लेकिन अमेरिका की गुलामी नहीं करता है, अमेरिका से गुलामी करवाता है। हालिया जो मामला था आपने देखे हैं जी, बाइडन के साथ जो भी वाक़ इसके पेश आए सलमान के। तो बहरहाल जी, इसीलिए मैं बोल रहा हर बंदी का अपनी सोच अपनी राय हो सकती है। तो बहरहाल जी, एक खातून है वो इनको आवाज़ें लगा रखी थी। मैं यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप चलाकर थोड़ा सुना देता हूँ, यकीनन आपको मजा आएगा। इनका स्टाइल भी देखकर फिर आपको थोड़ी तफसील भी बताता हूँ, देख लें। जी तो क्लिप आपने सुन लिया है, ये पूरा क्लिप है, कहीं से निकले हैं और जाहिर सी बात कोई मीटिंग वगैरह होगी होगी, तो बाद में जाने लगे हैं, तो साइडों पर लोगों ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी हैं। तो एक खातून की आवाज़ इनको सुनाई दी है, या मोहम्मद या मोहम्मद। तो इसने बोला कि भी इसको लाओ इधर, तो फिर वो खातून आई है, उससे वो ना खातून इसको मिलने के लिए, लेकिन ये खुद नीचे झुके हैं। उसके बाद उनकी बातचीत सुनी है, जो भी मसला वगैरह होगा उनका वो बोला होगा, इनका मसला वगैरह जो भी है हल कर दें। तो बहरहाल जी, इनका जो स्टाइल है ये सऊदी मीडिया के ऊपर काफ़ी चर्चा में है, और मुझे खुद से बहुत पसंद आया। मैंने बोला एक शॉर्ट सी वीडियो में आपके साथ भी शेयर करता चलूँ। आपकी इसके मतलब क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।